साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। क्या यूं ही देश के जवान सीमा में शहीद होंगे? यह सवाल चिंता का विषय है। एक तरफ देश आतंकवादियों से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ देश के भीतर नक्सलवादियों से जवानों की भिड़ंत हो रही है, जिसमें जवान शहीद हो रहे हैं। आइए देखते हैं मामला क्या है। हम इस वक्त जांबूरखेड़ा और लेंडारी, यह जो रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर मौजूद है, जहाँ 1 मई 2019 को नक्सलवादियों के बम ब्लास्ट में, जिन्होंने बम धमाका कर 15 एक वाहन को उड़ाया था, जिसमें 15 जवान शहीद हो चुके थे। और उस जगह हम अभी मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि केवल यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब आतंकवादी हमला होता है और आतंकवादी हमले के ठीक 5 या 6 दिन बाद बोलते हैं कि मैंने POK के कई ठिकाने ऐसे थे जहां आतंकवादों के जो संगठनाओं का, जो आतंकवादियों का संगठना का जो केंद्र था, उसे मैंने नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन ठीक आज यह घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है, जो खुद राज्य के गृह मंत्री भी है, उन्होंने अभी तक के कोई भी एक्शन इस पूरे मामले पर लिया नहीं है। जबकि POK में जो जवान शहीद हुए थे, पुलवामा में जो जवान शहीद हुए थे, उन जवानों की शहादत के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो जवान 366 के बटालियन के जो जवान शहीद हुए, उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? सवाल बहुत है, सवाल गंभीर होते हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इस जगह जहां मैं मौजूद हूं, मैं आज 5 दिन बाद इस जगह पहुंचा हूं, जिस घटना को अंजाम दिया गया था। आप देख रहे हैं मेरे पीछे वही जगह है, उसी जगह पे मैं खड़ा हूं जहां वो बम धमाका किया गया था, जहां हमारे राज्य के 366 बटालियन के लगभग 15 जवान शहीद हुए थे। लेकिन आज तक के कोई भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई भी एक्शन प्लान लागू नहीं किया गया है, और ना ही कोई उनके लिए कुछ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि यह सर्च ऑपरेशन बोलो या किसी तरीके का कोई ऑपरेशन इस जगह चलाया नहीं जा रहा है। नक्सलवाद और आतंकवाद, ये दोनों भी संगठनाएं जो है वो केवल सरकारी यंत्रणा के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, और जिस तरीके से सेना के साथ आतंकवादी लड़ते हैं, और उसी तरीके से हमारे 366 जवानों के साथ नक्सलवादी लड़ रहे हैं, तो क्या यह देश का भविष्य हो सकता है? मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS India ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।